अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हैदराबादी बीफ कोरमा। इसके लिए हमें चाहिए 1 kg बीफ, 3 डली प्याज बारीक कटी हुई, 1 पाव दही, पिसी हुई इलायची पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। बघार में जो चीज़ें डलेंगी उसमें तेज पत्ता है, दालचीनी का पत्ता, बड़ी इलायची और लौंग, ऑयल जाएगा 1 कप। और मसाले मैं जब मैरिनेट करूंगी गोश्त को तो फिर मैं उसके साथ साथ आपको बताऊंगी। तो चलें प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट और पिसी हुई छोटी इलायची जो है वो डाल देंगे और उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर ये 1 पाव दही है, एक टेबल स्पून जो है वो नमक है तकरीबन, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ जीरा और 1/2 टी स्पून हल्दी। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये इस मसालों के साथ हमने मैरिनेट कर दिया है, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ये 1 कप ऑयल हमने रख दिया था गर्म होने के लिए, सरसों का तेल है ये, और इसमें मैं तकरीबन 3-4 डली प्याज डालूंगी और इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लूंगी। हो चुकी है ये प्याज, अब इसमें मैं सारा ये खड़ा मसाला डाल दूंगी, तेज पत्ता, दालचीनी का पत्ता, बड़ी इलायची, इसे थोड़ी देर डाल के इसको फ्राई करके अब प्याज मैंने ब्राउन होने रख दी है। और ये 1/4 कप मूंगफली है, 1/4 कप घिसा हुआ खोपरा है, इसमें खशखश भी डलती है, अगर आप चाहें तो ले लें, मैं नहीं डालती। इन दोनों को रोस्ट करके पीस के और मैं इसको बीफ में ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें गोश्त ऐड करूंगी। अब मैंने इसके अंदर गोश्त ऐड कर दिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, वरना ये दही के पानी में ही अच्छी तरह से गल जाएगा। अब मुझे इसके अंदर पानी ज़रा कम लग रहा है तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन ये 1.5 कप के करीब पानी है और इसको मैं तकरीबन 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, जब तक गोश्त गल जाए। हमारा मज़ेदार सा हैदराबादी बीफ कोरमा तैयार हो चुका है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।